बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अपने उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित कर दी है। बीजेपी की लिस्ट में कई चौंकाने वाले नाम भी शामिल हैं। अगर बड़े नामों की बात की जाए तो बीजेपी ने पहली लिस्ट में 24 नाम घोषित किए हैं। इनमें बड़े नामों में सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें विदिशा से पार्टी ने उतारा है, वहीं ज्योतिराय सिंधिया गुना से मैदान में होंगे। बीडी शर्मा खजुराहो से प्रत्याशी होंगे। इसके अलावा शिवमंगल सिंह तोमर मुरैना से, संध्या राय भिंड से, भरत सिंह कुशवाहा ग्वालियर से, वीरन खटीक टीकमगढ़ से, राहुल लोधी को दमोह से और राजेश मिश्रा सीधी से उतरेंगे। वहीं हिमाद्री सिंह शहडोल से प्रत्याशी होंगी। आशीष दुबे के तौर पर पार्टी ने जबलपुर में चौंकाने वाला चेहरा दिया है। फग्गन सिंह कुलस्ते फिर से मंडला से मैदान में होंगे और आलोक शर्मा भोपाल से प्रत्याशी होंगे। महेंद्र सिंह सोलंकी देवास से, वहीं ज्ञानेश्वर पाटिल खंडवा से, दुर्गा दास उइके बैतूल से और लता वानखेड़े के तौर पर पार्टी ने सागर में भी चौंका दिया। वहीं गणेश सिंह सतना से उम्मीदवार होंगे और गजेंद्र उइके खरगोन से होंगे। राजगढ़ से रोडमल नागर, मंदसौर से सुधीर गुप्ता, जनार्दन मिश्रा रीवा से और रतलाम से अनीता चौहान के नाम पर पार्टी ने मोहर लगाई है। वहीं होशंगाबाद से भी पार्टी ने चौंकाते हुए दर्शन सिंह चौधरी को मैदान में उतारा है। कुल मिलाकर बीजेपी कांग्रेस से लोकसभा चुनाव के समर में एमपी में आगे निकलते दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी ने तो 24 नाम घोषित भी कर दिए, कांग्रेस की लिस्ट का भी पता भी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट एमपी तक।